मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए जा रहे हैं एक और वैरायटी दाल में। इसका नाम है स्पेशल दाल गोश्त। यहाँ पर मैं काम कर चुकी हूँ, इसमें मैंने जो दालें हैं वो बॉयल की थी। सबसे पहला काम ये है कि दालों को वॉश किया और 2-3 घंटे के लिए मैंने इसको खुले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद इसे मैंने 4 ग्लास, बड़े ग्लास होते हैं, उसमें पानी डाल करके आधी चमची मैंने डाली थी हल्दी की, और उसमें मैंने डाली थी जो दालें हैं, मसूर की दाल आप डालते हैं इसमें 200 ग्राम, चने की दाल आधा किलो, और तूर दाल मैंने इसमें डाली थी 300 ग्राम। तो ये डालकर इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, यहाँ तक अच्छे से गल गई, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया। और ये देख लें, ये गाढ़ी गाढ़ी बनती है, ठीक है। अगर आपके घर में पतली दाल बनती है तो जब आप आगे इसको पकाएंगे चिकन वगैरह गोश्त में डाल करके, तो आप इसमें एक्स्ट्रा पानी तब डाल सकते हैं अपनी टेक्स्चर के मुताबिक। हमारे घर गाढ़ी पसंद की जाती है, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है। ये दालें हो गई जो गल गई हैं। फिर इसके बाद इसमें जो जाती है वो है लौकी। मेरे पास यहाँ पे 1/2 किलो लौकी थी, उसके छिलका उतार कर उसे वॉश किया और 1 कप पानी में डालकर उसको बॉईल कर लिया था कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए। उसको हल्का सा मैंने जो है फॉक के साथ मैश कर लिया कम्प्लीटली। जो है आप देख सकते हो, मैंने इसको जो है गूदा नहीं उसका बनाया, मोटा मोटा पीस है लेकिन कम है। तो ये काम अभी मैंने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये कि आप लेंगे 1/3 कप जितना तेल, घी में बनाना चाहते हैं घी में बना लें। बीच में जाएगी 2 टुकड़े दालचीनी के, बादयान का फूल, एक बड़े साइज का था उसको मैंने तोड़ लिया था, 2 अदद बीच में जाएंगी मोटी इलायची, जीरा जाएगा 1.5 टीस्पून, एक बड़े साइज की प्याज डालेंगे। फाइनली इसको जो है आपने स्लाइस कर लेना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 4 अदद, तो फाइनली आपने सीखे से स्लाइस कर लेना है। फ्लेम हाई पर रखें और प्याज को जो है अच्छे से आपने सुनहरा कर लेना है। जैसे ही गोल्डन होता है मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो देख लें, इतना आपने इसको डार्क ब्राउन कलर देना, ज़रा खूबसूरत दिखता है, ये दाल में भी अच्छा कलर आ। इसमें डालने मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर, पिसी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 2 टीस्पून, ठीक है। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉट फॉरगेटिंग ये दाल वगैरह जो होती हैं ऐसी चीज़ें, ये फीकी अच्छी नहीं लगती। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ नमक मिर्च हल्दी ही है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है। सिंपल चीज़ों से भी जो घर में मसाले होते हैं इससे अच्छी जो है रेसिपी बन जाती है। तो ये कि इसको डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 कप जितना पानी, मिक्स कर लें, फ्लेम को मीडियम पे कर लें और इतना कुक करें कि टमाटर अच्छे से बीच में गल जाने चाहिए, यानी कि मसाला तैयार हो जाए और जो तेल है वो सरफेस पर आ जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए, तेल आ गया सरफेस पर, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। ये मेरे पास यहाँ पर 1 किलो चिकन है। अगर आप चाहें तो आप यही जो है गोश्त में भी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और हाई फ्लेम पर इसको ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर आप जो है भून लें इस मसाले में, कि चिकन का कलर आप देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या हमने ऐड करना है। देखिए, चिकन का कलर हो गया पिंक से वाइट की तरफ। अब आप इसमें ऐड करेंगे अचार, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स अचार, 2 टेबलस्पून जाएगा। इसके साथ मिक्स करते हैं। ये बहुत ही चटपटा जो है सालन बनता है, चिकन और दाल का, या गोश्त या दाल जिसका आप चाहेंगे, ठीक है। और उसके बाद बीच में आप यहीं पर ऐड कर देते हैं लौकी। इसे मैंने गला लिया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो के बिगिनिंग में, कि इसको छील करके काट कर मैंने जो है गला लिया था। तो ये देख लें, अभी भी इसमें चंक्स हैं। तो ये कि ज़रा सब्ज़ी है, इसमें भी अच्छा से जायका आ जाएगा मसालों का। तो इसको बीच में डालती हूँ, मिक्स करते हैं और अपने यहाँ पर चिकन को गलाना है, ठीक है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पर जो है इसमें ऐड करूँगी पानी,
एक कप जितना पानी है मेरे पास। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, कवर करें और लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें। यहाँ तक कि चिकन अच्छे से आपकी गल जानी चाहिए और बीच में जो भी पानी शानी है चिकन छोड़ेगा जो हमने डाला है वो तमाम खुश्क हो जाएगा, तेल आ जाएगा सरफेस पर और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पर तेल जो है ये आ रहा है सरफेस पर। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो कि हमारी दाल है। तो तमाम दाल को पहले इसमें ऐड करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। दाल को डालकर इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें। गरम मसाला पाउडर मेरा होम मेड जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर कर है। इसको मिक्स कर कर हम दम पर रख देंगे ताकि अच्छे से दाल मेरी जो है तमाम मसालों का जायका आ जाए, ठीक है। और फिर इसका बघार तैयार करते हैं। तो इसे आपने दम पर रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका बघार किस तरह तैयार करते हैं। अब एक फ्राइंग पैन में आप तेल डाल लो, घी डाल लो, जैसा आपका दिल चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन जो होती है घी जो है ज़्यादा हेल्दी होता है, आगे आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मेरे पास 1/3 कप जितना मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। उसमें आप डालते हो लहसुन के जवे 4-5 ले लें और उन्हें आप इसके स्लाइस कर लें। खुश्क लाल मिर्चें जाएंगी इसमें थोड़ी सी और उसको यहाँ पे इतना फ्राई करेंगे कि आप देखेंगे कि लहसुन का कलर जो है गोल्डन सा हो जाना चाहिए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। देखने अच्छे से इसका कलर सुनहरा हो गया लहसुन का। इसमें आप ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें। ये बड़ा खूबसूरत रंग इसकी वजह से आता है दाल वगैरह में। आप ढाबा पे खाते हैं तो ढाबे पे आप सोचते हैं कि दाल का रंग इस तरह क्यों, तो वो उसकी जो बघार होती है उसमें लाल मिर्चें डालते हैं। यहाँ पर चूल्हे को आप बंद करें और इसको स्ट्रेट अवे दाल में डालते हैं। बघार डाल दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपकी चॉइस है कि अगर आप देखना चाहते हैं बघार डालने से पहले, इनफैक्ट आप चेक कर लें, अगर आपको दाल पतली अच्छी लगती तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। हमारे घर में गाढ़ी खाई जाती है तो ये देख लें, ठीक है। ये चावलों के साथ इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, जीरे वाले चावल हो जाएं, पराठे हो जाएं, तो टेस्ट नाइस। अभी एक इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालती हूँ और फिर से करती हूँ डिश आउट। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ा लगता है। तंदूर की रोटी हो जाए, घर की रोटी, पराठा, चावल, एनीथिंग। गर्मी आज कुछ आपने लस्सी बनाए, कोई सलाद वगैरह, तो बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट biscuitpfizer.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा तो हम याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।